हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्निकल के बड़े यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में फिर से हम लाइव ट्रेड करने वाले हैं जीबी पीयूएसडी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। फ्रेंड्स, यहां से मुझे एक ये सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है, यहां पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, यहां पे भी दोस्तों सपोर्ट लिया है और यहां पे भी मार्केट सपोर्ट लेता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहां से हमें किस तरीके से ट्रेड करना है, क्या सेटअप यहां पे दिख रहा है, तो फ्रेंड्स यहां से आप देख पाएंगे कुछ इस तरीके से मार्केट ने इस लेवल को यहां पे सपोर्ट लिया और यहां पे दोस्तों अगेन सपोर्ट लेने के बाद एक मार्केट अप ट्रेंड में जा सकता है। तो कुछ इस तरीके से एक सिंपल सेटअप मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हम हमारी ट्रेड बाय डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अभी यहाँ से हमें थोड़ा वेट करना है, प्रॉपर कंफर्मेशन मिलेगा इसके बाद हम हमारी ट्रेड को यहाँ से बाय डायरेक्शन में प्लेस करने वाले हैं। तो देखते हैं दोस्तों मार्केट यहाँ से हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देता है या फिर नहीं। वीडियो को कंप्लीट देखिए, किस लॉजिक किस कंफर्मेशन के साथ यहाँ से हम बाय या फिर सेल करेंगे इसके बारे में हम वीडियो के एंड में समझेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिएगा। यहाँ पे दोस्तों हम हमारी ट्रेड को बाय डायरेक्शन में प्लेस करने वाले हैं। देखिए, यहाँ सपोर्ट लेने के बाद अगेन यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ मार्केट यहाँ पर एक अप डायरेक्शन में जाने की यहाँ पर एक प्लानिंग कर रहा है। तो यहाँ से हम इजिली हमारी ट्रेड को बाय डायरेक्शन में प्लेस कर सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर मार्केट ने ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनाई है और दोस्तों अभी यहाँ से अगर हम हमारी ट्रेड को बाय डायरेक्शन प्लेस करते हैं तो स्टॉप लॉस एंड टारगेट यहां पे देख लेते हैं। कुछ इस तरीके का हम इजीली टारगेट दे सकते हैं और स्टॉप लॉस कितना छोटा यहां से हो रहा है। तो दोस्तों यहां से हम हमारे ट्रेड को प्लेस करने वाले हैं बाय डायरेक्शन में, लेकिन दोस्तों थोड़ा और मैं यहां पे अभी वेट कर रहा हूं, थोड़ा नीचे के लेवल पर मिल जाए तो और सही रहेगा। तो दोस्तों यहां से मैं अपने ऑर्डर को प्लेस कर दे रहा हूं। फाइनली दोस्तों यहां से मैंने ऑर्डर प्लेस कर दिया है, आप देख सकते हैं यहां पे हमारा $1 माइनस में ट्रेड प्लेस हो चुका है। और यहां पे दोस्तों रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो की बात करें तो काफ़ी अच्छा मुझे यहां से रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। देखिए, थोड़ा और यहां पे हम हमारे टारगेट को बढ़ा सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है, क्या इस ट्रेड में हमारा लॉस होता है या प्रॉफिट होता है, ये देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो के एंड में दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, हर एक लॉजिक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, किस लॉजिक किस कंफर्मेशन के साथ मैंने यहां से ट्रेड को प्लेस किया है बाय डायरेक्शन में। तो दोस्तों वीडियो पूरा देखिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि नेक्स्ट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों ट्रेड को प्लेस करने से पहले इस तरीके की जो इमेज मार्केट बना रहा था, इस इमेज को भी हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिया था, ताकि हमारे सभी व्यूअर्स अच्छे से मार्केट को वॉच कर पाए और मार्केट के सेंटिमेंट को समझ पाए, अभी मार्केट किस दिशा में कर सकता है, किस दिशा में ट्रेड कर सकता है, तो इसके बारे में एक आइडिया मिलेगा। तो दोस्तों अगर लाइव मार्केट में लर्निंग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों जब भी हम ट्रेड करते हैं तो इस तरीके की एक इमेज मार्केट जो भी एक पैटर्न बनाता है उस पैटर्न को हम शेयर करते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों देखते हैं आगे मार्केट किस तरीके से यहां से परफॉर्म करता है। मैंने हमारा स्टॉप लॉस भी यहां पे लगा दिया है, तो लेट्स सी आगे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है, मैं आपको अपडेट करता हूँ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स मार्केट डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना स्टार्ट किया है। देखिए, $4 प्लस यहां से अभी हमारा इस ट्रेड में अभी लॉस चल रहा है। तो दोस्तों यहां से हमारे लिए एक क्वांटिटी बढ़ाने का, हमारे लॉट साइज बढ़ाने का मुझे यहां से एक बहुत अच्छा चांस लग रहा है। तो मैं सोच रहा हूं दोस्तों आज हमारे यहाँ पर देखिए 0.10 लॉट साइज हमने यूज किया है, तो बहुत अच्छा प्राइज मिल रहा है। तो हम हमारी ट्रेड को यहाँ पर 0.10 लॉट साइज के साथ और यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पे मुझे अच्छा प्राइस मिल रहा है, ऑर्डर मैंने प्लेस कर दिया है 0.10 लॉट साइज के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी दो ट्रेड प्लेस हो चुकी है 0.10 लॉट साइज के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा रिस्क एंड रिवार्ड रेशो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा अगर हमारा इस ट्रेड में प्रॉफिट होता है। तो लेट्स सी गाइस, अब और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है वीडियो, तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा दोस्तों। और फिर से कहना चाहूँगा, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दोस्तों वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना दोस्तों, ताकि नेक्स्ट आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो लेट्स सी गाइस, आगे मार्केट किस तरीके से परफॉर्म करता है मैं आपको अपडेट करता हूं फ्रेंड्स।
यहाँ से दोस्तों हम हमारे स्टॉप लॉस के नियरेस्ट आ चुके हैं। काफ़ी अच्छे सेटअप यहाँ पे था, इसके बावजूद भी क्या यहाँ से हमारा इस ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा स्टॉप लॉस थोड़ा सा और नीचे के लेवल पे मुझे यहाँ पे देना चाहिए था, मैं भी हो सकता है हमारे स्टॉप लॉस को हिट करके ये कहीं ना कहीं अपर डायरेक्शन में चला जाए। तो फाइनली दोस्तों यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है और वही चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। देखिए $16 का यहाँ से दोस्तों इस ट्रेड में हमारा लॉस हो चुका है। तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई है जल्दबाजी में, कहीं ना कहीं जो हमारा स्टॉप लॉस था कहीं ना कहीं मुझे लगा लॉजिकली नहीं, हो सकता है मैं भी मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में जा सकता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा फाइनल स्टॉप लॉस हो चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ से हम लॉजिक को समझ लेते हैं, किस लॉजिक और किस कन्फर्मेशन के साथ यहाँ से हमने ट्रेड को प्लेस किया था बार डायरेक्शन में, बट यहाँ पे डेफिनेटली हो चुका है हमारा स्टॉप लॉस हिट। तो यहाँ पे दोस्तों किस कन्फर्मेशन किस लॉजिक के साथ मैंने ट्रेड को बार डायरेक्शन में प्लेस किया था, तो सबसे फर्स्ट लॉजिक की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पाएंगे, देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। ये मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, देखिए यहाँ सपोर्ट लिया हुआ है मार्केट, इस लेवल का सपोर्ट, इस लेवल का सपोर्ट और यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद एक अपर डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है, फर्स्ट कन्फर्मेशन। सेकेंड कन्फर्मेशन की अगर बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बॉटम टू टॉप फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हम देख पाएंगे कौन सा लेवल यहाँ पे फिबोनाची का आ रहा। तो दोस्तों यहाँ से आप साफ साफ देख पाएंगे फिबोनाची का 61% का लेवल आपको ये नज़र आएगा, फिबोनाची का 61% का जो लेवल है इस लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन करना स्टार्ट किया है। ठीक है, यहाँ से आप साफ साफ देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए कुछ इस लेवल से मार्केट इस लेवल का सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू एक अप डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे दोस्तों हमसे मिस्टेक क्या हुई है, मिस्टेक्स बस छोटी सी हुई है, यहाँ से जो हमारा स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस थोड़ा और नीचे वाले लेवल पे होना चाहिए था। देखिए यहाँ से दोस्तों हमारा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद मार्केट यहाँ से अप डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, आगे हम जो हमसे मिस्टेक हुई है उसको कहीं ना कहीं सुधारने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट कन्फर्मेशन दोस्तों फिर से हम समझ लेते हैं ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेवल, सेकंड कन्फर्मेशन फिबोनाची को ड्रॉ करेंगे तो 61% का लेवल यहां पे नज़र आएगा। इसके बाद थर्ड कन्फर्मेशन क्या है, थर्ड कन्फर्मेशन के लिए दोस्तों यहां से हम चलेंगे 1 आवर के टाइम फ्रेम। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये देखिए ये कुछ इस तरीके से यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेता हुआ आपको नज़र आएगा इस वाले लेवल पर। ठीक है, यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट लिया, दोस्तों आप देख सकते हैं इस लेवल का ब्रेकआउट, ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे इस लेवल को सपोर्ट लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से ध्यान दीजिए इस लेवल का, यहाँ पे 1 आवर के टाइम फ्रेम में एक चैनल को ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद रीटेस्ट किया, रीटेस्ट किए करने के बाद कंटिन्यू यहाँ पे एक अपर डायरेक्शन में जाता हुआ मार्केट यहाँ पे नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों मेरे पास इस ट्रेड को प्लेस करने से पहले 3 रीजन्स के थे और 3 रीजन्स के साथ यहाँ से मैंने अपनी ट्रेड को प्लेस किया था बार डायरेक्शन में, बट यहाँ पे डेफिनेटली हमारा स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। रीजन क्या है, क्यों स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हुआ है, तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या हमसे मिस्टेक हुई है। तो यहाँ पे एक छोटी सी हमसे मिस्टेक हुई है फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारा जो स्टॉप लॉस था, स्टॉप लॉस थोड़ा हमने यहाँ पे इस वाले लेवल पे दे दिया और डेफिनेटली स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद मार्केट एक अप डायरेक्शन में जा चुका। तो दोस्तों कुछ इस लेवल का यहाँ से हमें स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, बस इतनी सी दोस्तों यहाँ पे हमसे गलती हुई है, बाकी सेटअप में कोई भी कमी नहीं थी दोस्तों, आप देख सकते हैं बहुत
अल्टीमेट सेटअप था, कोई भी यहाँ पे कमी यहाँ पे नज़र आ नहीं रही। सिर्फ एक ही कमी यहाँ से हुई है, हमारा स्टॉप लॉस दोस्तों थोड़ा सा नीचे वाले इसके से थोड़ा नीचे लेवल नीचे वाले लेवल से हमें देना चाहिए था, ठीक है। और दोस्तों आपने देखा यहाँ से मार्केट इस वाले लेवल को यहाँ से टेस्ट किया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके गया और अगेन यहाँ पे कंटिन्यू एक अप डायरेक्शन में जाता हुआ नजर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, देखिए यहाँ से जो भी हमसे गलती हुई है उस गलती से हमें सीखना है और आगे बढ़ना है। आई होप आप भी हमारे से जो गलती हुई है उस गलती से सीखेंगे और आगे अपनी गलतियों को सुधारें। दोस्तों ट्रेड को प्लेस करने से पहले मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पे इस तरीके का जब चैनल बन रहा था उस टाइम पे, सॉरी इस तरीके का जो एक मार्केट सपोर्ट ले रहा था उस टाइम पे भी डाल दिया था मैंने, और 4 आवर का टाइम फ्रेम में मार्केट का जो चैनल का ब्रेकआउट इसके बाद रीटेस्ट कर रहा था वो भी इमेज मैंने हमारे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दी थी। अगर अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन नहीं हुए हो और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। जब भी हम ट्रेड लेंगे तो उसमें जो भी एक लर्निंग वाली इमेज रहेगी तो वो दोस्तों हम शेयर करते रहेंगे। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, और लाइव मार्केट में हमें किस तरीके से एक एनालाइज करना होता है ट्रेड को प्लेस करने से पहले उसके बारे में आपको आइडिया मिला होगा, और जो हमने यहाँ पे गलती की है, क्या गलती की है दोस्तों फिर से दोहरा देता हूँ, यहाँ पे हमसे सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा दोस्तों नीचे वाले लेवल पर रखना चाहिए था, इस लेवल का यहाँ से स्टॉप लॉस रखना चाहिए था, ठीक है। लेकिन ये गलती कहीं ना कहीं हमसे हुई है, ठीक है। तो आगे से दोस्तों हमें इस गलती को सुधारना है और आगे बढ़ना है। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि नेक्स्ट आगे आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।